वेलकम टू आवर चैनल फार्मा लेक्चर। सो गाइस कैसे हो आप सब। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे ब्लैक फंगस के ऊपर। ब्लैक फंगस को ही हम लोग म्यूकोर माइकोसिस कहते हैं, और ये म्यूकोर माइकोसिस है ना, ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि स्पोर्ट्स के जरिए फैलता है। स्पोर्ट्स अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो तब तो मालूम है, नहीं हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे एनवायरमेंट में ही ये स्पोर्ट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि जो खराब ब्रेड होता है या फिर फ्रूट होता है उन पे ये प्रेजेंट होते हैं, या फिर मिट्टी के ऊपर प्रेजेंट होता है। सो जनरली आपने देखा ही होगा कि जो एक्सपायर्ड ब्रेड हो जाते हैं आफ्टर वन वीक या टू वीक, तो आप देख रहे होगे कि वो दाग लग जाते हैं। यही तो है ब्लैक फंगस, यही तो है म्यूकोर माइकोसिस। सो इन्हीं स्पोर्ट्स के जरिए ये इन्फेक्शन कॉज होता है। वैसे तो हम इन स्पोर्ट्स के कॉन्टैक्ट में डेली आते हैं, पर ये इन्फेक्शन नॉर्मली हेल्थी लोगों पर नहीं होता है, बट जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, वीक होती है, उन पर ज़्यादा चांसेस होता है ये इन्फेक्शन कॉज होने का, फैलने का। ये इन्फेक्शन नॉन कॉन्टेजियस, मतलब कि एक आदमी दूसरे आदमी को अगर टच करेगा तो ये इन्फेक्शन फैलेगा नहीं। सो गाइस आई होप आपको गाइस वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। सो गाइस अब हम देख लेते हैं कि किन लोगों में ये फंगल इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस है। सबसे पहला आयरन लेवल इंक्रीज, यानी जो ये म्यूकोर माइकोसिस फंगस है ना, इसको ग्रो कराने के लिए आयरन की ज़रूरत होती है। जब किसी की बॉडी में नॉर्मल आयरन लेवल से ज़्यादा आयरन हो जाता है, डैट मीन्स उसके बॉडी में ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं ये इन्फेक्शन कॉज होने के। और कौन कौन से लोग हैं जिनमें ज़्यादा चांसेस होता है ये इन्फेक्शन कॉज होने के, जिन्हें पहले से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यानी डिजीजेस है, जैसे कि डायबिटीज़ या फिर किडनी रिलेटेड डिजीजेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ESRD एंड स्टेज रेनल डिजीजेस, ये उन लोगों में भी ज़्यादा चांसेस है इन्फेक्शन फैलने का जो आयरन थेरेपी ले रहे हैं या जिन्हें फैगोसाइटिक फंक्शनल डिजीजेस हैं। सो गाइस आप जैसे कि देख ही रहोगे कि जो ये कोरोना वायरस महामारी फैल रहा है, इसके ट्रीटमेंट के लिए स्टेरॉइड्स का यूज़ किया जा रहा है। यही स्टेरॉइड्स जो है ज़्यादा अमाउंट में देने की वजह से जो इम्यूनिटी है ये और कमज़ोर हो जा रही है, और ये इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया ये इन्फेक्ट कर जाएगा म्यूकोर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस से, यानी उन पेशेंट में ज़्यादा चांसेस होंगे। सो गाइस अब हम देख लेते हैं म्यूकोर माइकोसिस के 6 अलग अलग टाइप्स, जिनके सिम्टम्स भी अलग अलग हैं। इनमें से सबसे कॉमन टाइप है वो है राइनो सेरेब्रल म्यूकोर माइकोसिस। यह हमारे साइनस को अफेक्ट करता है, जिनमें नाक ब्लॉक हो जाता है और नाक से खून भी निकलता है। इसके इस दौरान जो हमारा फेशियल पेन है वो भी होता है। सीवियर सिचुएशन में विजन लॉस होने का भी चांसेस होता है। अगर सही टाइम पे इसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो यह एक ब्लैक नेक्रोटिक अल्सर में बदल जाता है, जिसकी वजह से इसे ब्लैक फंगस भी कहते हैं। दूसरा मोस्ट कॉमन टाइप है पल्मोनरी म्यूकोर माइकोसिस, जो लंग्स को अफेक्ट करता है। यह मोस्टली ल्यूकेमिक पेशेंट में देखा जाता है, और इसमें चेस्ट पेन, फीवर, कफ और ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट टाइप है क्यूटेनियस म्यूकोर माइकोसिस, जो स्किन को अफेक्ट करता है। एक है गैस्ट्रो इंस्टेस्टाइनल म्यूकोर माइकोसिस, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है। फिर है डिसेमिनेटेड म्यूकोर माइकोसिस, जिनमें ब्रेन सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। इसके अलावा भी इसके और टाइप हैं जिनमें हमारी बोन, ट्रैकिया और किडनी अफेक्ट होती है। अब हम इसका ट्रीटमेंट देखेंगे। इसके ट्रीटमेंट में एंटी फंगल मेडिसिन जैसे एम्फोटेरिसिन बी, पोसाकोनाजोल, इसावोकोनाजोल प्रिस्क्राइब किया जाता है, और ज़्यादातर सिचुएशन में सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसमें इन्फेक्टेड जो पार्ट है ना उसको कट करके निकाला जाता है। सो गाइस अब प्रिकॉशंस देखते हैं जो हमें इस इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। N95 मास्क ज़रूर पहने, मिट्टी या पेड़ पौधे की देखभाल करते समय हैंड ग्लव्स पहने, बॉडी में कोई भी कट या चोट लगे तो डिटॉल या सेवलॉन का यूज़ करें, खराब फ्रूट और ब्रेड से दूर रहें। सो आई होप आपको गाइस वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे आती रहेंगी मेडिसिन से रिलेटेड, डिजीजेस से रिलेटेड। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।